Hello children, how are you all? I hope you all are fine. Okay. तो बच्चों आज कौन सा डे है? आज है फ्राइडे. और फ्राइडे को हिंदी में क्या बोलते हैं? शुक्रवार. तो आज के दिन मैम आप लोगों को थोड़ा रिटर्न वर्क करवाएगी. ओके. तो उससे पहले मैम आप लोग को बता दें कि गोल्डन वर्ड्स क्या होते हैं. तो आज मैम आप लोगों को 3 गोल्डन वर्ड्स बताने जा रही है जिसका यूज लाइफ में होता है. ओके. तो जैसे कि बच्चों कौन कौन से वो 3 गोल्डन वर्ड्स हैं? पहला है थैंक यू, दूसरा सॉरी, तीसरा प्लीज. आप लोग ये वर्ड यूज करते हो ना अपनी लाइफ में? ये वर्ड हमेशा अपनी लाइफ में यूज करना चाहिए. और ये गुड मैनर्स है, अच्छी आदतें हैं ना. ये आपको हमेशा अच्छी आदतें सीखनी चाहिए ना. तो बच्चों आप थैंक यू कब बोलते हो बताऊं? जब आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो ना. और जैसे कि आपका कोई हेल्प करता है तभी भी आप उसको थैंक यू बोलते हो. इस तरीके से आपको थैंक यू बोलना चाहिए. और सॉरी आप कब बोलते हो? सॉरी आप जब बोलते हो जैसे कि आपसे कोई गलती हो जाती है, कोई काम को किसी काम में गलती हो जाती है तो आप जाके बोलते हो ना सॉरी. या आप मान लो किसी के साथ खेल रहे हो और किसी का चीज आपसे टूट गया तो आप उसको सॉरी बोलते हो ना. इस तरीके से आपको सॉरी भी बोलना है. और उसके बाद प्लीज आप कब यूज करते हो? जब आपको कुछ चीज चाहिए होता है तो आप अपने बोलते हो ना कि मम्मा प्लीज मेरे को ये चीज बना दो खाने के लिए. या कहीं आप घूमने जाते हो तो आप बोलते हो मम्मा प्लीज ये मेरे लिए टॉयज खरीद दो. इस तरीके से आप प्लीज वर्ड का भी यूज करते हो. तो बच्चों अपनी लाइफ में ये तीनों वर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये अच्छी आदतें हैं ना. ये हमारे 3 गोल्डन वर्ड्स है. कौन कौन से? थैंक यू, सॉरी और प्लीज. ये तीनों वर्ड आप अपनी लाइफ में हमेशा यूज करेंगे क्योंकि अच्छी आदतें और अच्छी आदतें सीखना बहुत जरूरी है ना. ओके. तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई की ओर चलते हैं. तो बच्चों इससे पहले मैम ने आप लोगों को कर्सिव कैपिटल लेटर में आर लिखना सिखाया था. और आर के बाद क्या आता है? आर के बाद एस आता है. तो आज मैम आप लोगों को कैपिटल कर्सिव लेटर एस लिखना सिखाएगी. और एस फोर क्या होता है? एस फोर स्पून. स्पून मतलब चम्मच. और एस फोर सन. सन मतलब सूरज. और एस फोर शूज. एस फोर सॉक्स. इस तरीके से एस से बहुत वर्ड्स होते हैं. ओके बच्चों. तो इससे पहले हम लोग देख ले कि हमने क्या क्या रिवीजन किया. देखते हैं हमने कैपिटल कर्सिव लेटर में अभी तक क्या क्या सीखा. अभी तक हमने कर्सिव ए बी सी डी ई एफ जी एच I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R. इस लेटर को अभी तक हमने लिखना सीखा है. बच्चों आप लोग अपनी कॉपी के अंदर भी इन लेटर की प्रैक्टिस करेंगे. और जो आप लोग की वर्कबुक है ना छोटी सी जिसमें डॉट डॉट लिखा है कर्सिव वाली, उसके अंदर भी वर्कबुक के अंदर भी आप लोग ये लेटर की प्रैक्टिस करेंगे. ओके. तो अब आप लोगों को मैम बताती है कि कैपिटल कर्सिव लेटर एस कैसे लिखना है. ये बहुत इजी है. आपको ब्लू लाइन से स्लैंटिंग करते हुए रेड लाइन की तरफ जाना है. फिर ऐसे कर्व करते हुए वापस कर्व करते हुए ब्लू लाइन को टच करते हुए वापस ब्लू लाइन को टच करके ऐसे अंदर. ये वो आपका कर्सिव एस. एक बार और देख लीजिए. ब्लू लाइन से स्लैंटिंग करते हुए रेड लाइन को जाएंगे. फिर ऐसे कर्व करते हुए वापस नीचे ब्लू लाइन को टच करेंगे. फिर वापस ऊपर जाते हुए ऐसे. ये वो आपका कर्सिव एस. इस तरीके से बच्चों आप कर्सिव एस लिखने की प्रैक्टिस करना अपनी कॉपी के अंदर भी और वर्कबुक में भी. तो अब मैम आपको बता देती है कॉपी में कैसे लिखना है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है. डेट क्या है? 24/7/2020 और डे फ्राइडे. और आप लोगों को बच्चों फ्राइडे बोल बोल कर लिखना है ताकि आपको इसकी स्पेलिंग लर्न हो जाए. और 3 बार अपनी कॉपी में कर्सिव एस लिखना है ऐसे 1, 2, 3. और इसके नीचे नीचे पूरा लिखना है आप लोगों को. ठीक है. इस तरीके से आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे और अपनी वर्कबुक में भी लिखेंगे. ओके. बाय. टेक केयर.